दोस्तों, पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना प्यार मोहब्बत मेरे YouTube चैनल को, मेरे Facebook, सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं सब पे आप लोग देते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम है राइस विद रमन, और मैं कोशिश करता हूँ उसमें कि कोई भी मैं चीज़ रियल स्टेट से रिलेटेड अपनी पर्सनल लाइफ की जो लर्निंग्स हैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। अभी मुझे बड़ी खुशी मिल रही है आपके साथ ये शेयर करते हुए कि मैं अपना इंडिया का ट्रिप जो है प्लान कर रहा हूँ, और बहुत ही जल्दी इंडिया में जाके हमने बहुत सारी फ्रेंचाइजीज खोलनी हैं, उनके ऑफिसेज के इनॉग्रेशन करने हैं। बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है ये, और वहाँ पे बहुत सारा मज़ा आने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि इस बार व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद द फूड, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इस बार जो है फूड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। सो मैं अपनी इंडिया की जर्नी की शुरुआत कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे आप सब की ब्लेसिंग्स भी चाहिए, बेस्ट विशेस भी चाहिए, और आपकी सपोर्ट भी चाहिए। सो देखते हैं इस बार इंडिया में क्या क्या होता है। कुछ फ्रेंचाइजी ऑफिसेज हैं दिल्ली में, नोएडा में, और अलग अलग जगहों पे हम जो अपने ऑफिसेज खोलने जा रहे हैं, मैं सबकी जो है ऑफिस इनोग्रेशन सेरेमनीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और जितने भी इंडिया के मेरे एक्सपीरियंस हैं आपको देख के बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम इन इंडिया राइट नाउ, और मुझे पता है कि आपसे काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हो पाई है लाइव सेशन में। उसका सिंपल सा रीज़न यही था कि अभी मैं इंडिया में हूँ, और अभी हम कुछ अपने ऑफिसेज की इनोग्रेशन भी यहाँ पे कर रहे हैं। अभी इतना सारा प्यार मोहब्बत जो सब आप लोग ने दी है, मतलब मज़ा आ गया उस चीज़ का यहाँ पे। इट्स अ बिजी स्केड्यूल, सो आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन टू दैट। चलें, थैंक यू वेरी मच। इंडिया के अंदर अपनी फर्स्ट फ्रेंचाइजी लॉन्च करने की, एंड आई प्रॉमिस यू आज से 4-5 साल बाद जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें ये दिन बहुत ज्यादा याद आने वाला है। क्यों? क्योंकि उस दिन यहाँ पे मैं नहीं खड़ा हूंगा, यहाँ पे कौन खड़ा होगा? हर्ष दहिया। और आप सब लोगों के साथ मेरी एक बहुत ही दिल से अटैचमेंट रहेगी हमेशा के लिए, क्योंकि आपने सेव मैक्स का हाथ तब पकड़ा है जब हम यहाँ अपने इन्फेंसी स्टेज के अंदर, जो इंडिया में सीखा था वो कनाडा को दिया, अब जो कनाडा में सीखा वो इंडिया को देने की बात है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट, ये जो तीन वैल्यूज कैनेडियन सिस्टम की हैं, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ, और खास तौर पे रियल स्टेट के फील्ड के अंदर। और सबसे पहले मैं आहूजा परिवार का थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे इस इनिशिएटिव के अंदर ना केवल कनाडा के अंदर बल्कि इंडिया के अंदर भी पूरी एक सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए खड़ा कर रहे हैं। हमने एक savemax.com के नाम से बहुत ही एक हाई एंड प्लेटफॉर्म रेडी किया है, जिसमें कि आपके पास 1.5 लाख से ऊपर कैनेडियन प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस है, और जो आपको लोकल प्रॉपर्टीज़ है उसका भी एक्सेस है। ये सारी सर्विसेज जो है हम अपने इंडियन पार्टनर्स के थ्रू, जैसे कि हमने गाज़ियाबाद में ये एक इनिशिएटिव लिया है, तो इन चैनल पार्टनर्स के थ्रू, हम फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के थ्रू ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम सेवमैक्स ब्रांड के ज़रिए कनाडा में पहले तो उन इमिग्रेंट्स को हेल्प करें जिन्होंने वहाँ पे जाके अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहली चीज़ जो है, यहाँ पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज एक प्लान कर रहे हैं। उस पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज के अंदर कोई भी नया इमिग्रेंट जब वहाँ पर लैंड करेगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम उसको एयरपोर्ट पिकअप से लेके उसको घर, उसकी एकोमोडेशन, रहने खाने का, उसका ड्राइविंग लाइसेंस और जिस तरह की भी फैसिलिटी उसको चाहिए, तो वो हम यहाँ पे सेवमैक्स ब्रांड के जरिए गाज़ियाबाद में जो हमने अपना एक इनिशिएटिव लिया है वहाँ से हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे।
कैनेडियन रियल स्टेट मार्केट का अपने आप में एक बहुत बड़ा आयाम है, बहुत एक ल्यूक्रेटिव मार्केट है पूरे वर्ल्ड के लिए। सो जो यहाँ के लोकल लोग हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने आप को किस तरीके से कैनेडियन मार्केट, रियल स्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। So from the day one, we had some principles which we had adopted in our business. And the first principle was, we will build up a SaveMax family. And today, I feel now we have started building SaveMax family in India. I think collectively we can touch those 8 billion people. So let's pass this baton of success. Let's pass this baton of contentment. And let's pass this baton of a pure thought process, a pious thought process. All Ahuja family, the way you have shown love and affection to SaveMax is commendable. Now there is nothing that can stop us growing in India and other parts. Within our own, the frequency match hoti hai, we can see the same small part of SaveMax here, you know. जो आपके थॉट्स हैं 100% मैं आपको श्योर करता हूं सर, हम आपके बनाए हुए ही रास्ते पर चलेंगे। आपको फ़ख्र महसूस होगा इन बच्चों को अपनी अम्ब्रेला में लेकर कि मैंने जिनको चुना है वो जैसा मैंने सोचा था वो वैसे ही मिले। वी अश्योर यू सर दैट वॉट एवर ड्रीम्स यू हैव फॉर SaveMax इंडिया वी वुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू अचीव देम। Balji, a big thanks to you and your family for such a wonderful hospitality. When you achieve, when you attain a level of success, you always think and going back to your own community because we belong to this landscape. I faced those challenges of a new immigrant. Yes. So I thought, you know what, we have gone through that journey. Now it is our time to give back to our own community, especially to the new immigrants when they are coming to Canada, where we have launched our platform by the name of SaveMax.com. You can access 150,000 Canadian properties on that platform. Our franchise partners and other realtors and other buyers and sellers can go and expose their own properties to Canadian clients at this time, but in future it will be in Australia, US, New Zealand, everywhere in the world. It is a bilateral trade which we are creating. The plans for 2022, we want to have at least 100 franchise partners. We are focusing right now on four provinces or state, as we call it over here. One is of course Delhi NCR, and the second one is we are focusing on Punjab, which is Jalandhar, Amritsar, and Ludhiana and Chandigarh. These are the four cities over there. Then we are focusing on Gujarat, where Ahmedabad and Surat, and then in Maharashtra, we are focusing on Mumbai and Pune. SaveMax is all about micro entrepreneurship. We want to give an opportunity to a common man, to a youngster who is looking for direction. We are going to create a lot of synergy, lot of job opportunities, lot of business opportunities for everyone so that people can grow with us. The size of the market, we are talking about every year, 10 billion is the market which is generated by the people who visit Canada every year.
2010, SaveMax was launched on my daughter's birthday, on our eldest daughter Shreya's birthday. And it has been a tremendous journey, which started from a basement and taking it to a team of 700 professionals in Canada and a team of 100 top management, middle management, and all of the team members. $7.5 billion real estate, which is approximately 50,000 crores. We are building up a very strong foundation with almost 60 franchises right now all across the world, including Canada and as well as in India. It is not that we are working for SaveMax, that you're not part of SaveMax. You are the SaveMax and we are SaveMax over here. We have a tagline, we say together we grow. And we strongly, very strongly believe in that. When we designed this model, we were very clear that there has to be good growth path. If a franchisee is starting with us in one location, our business partner, then he should grow in multiple locations. If they have grown in multiple locations, they should see the next step as a master franchisee. So right now, these are the two countries in which we are present, Canada and India. And at least going forward, within 6 months, we will be digitally present in 7+ more countries. And I believe that day is not far. अंग्रेजों ने तो पूरा विश्व नहीं जीता था, हम शायद जीत पाएंगे. We will put it into one color. Ideate things is a wonderful thing. I'm totally agree. And yes, you all must be curious what all we have activities we will do in the education. Yes, we will do wonders. We have big plans to launch education in India and Canada also. I love when I say SaveMax is an iconic brand. Did I make it? Not really. There are two T's which are playing a very important role in SaveMax journey. So for almost 9 years, I just worked on one T, and that T is team. I was a little bit aware about the second T, that is technology. 5 years before I understood the value of technology, I was trying to find out some right people in my surrounding, and I tried, I failed, I tried, I failed. One fine day, on a flight, I met technology. You know who that person is, and that person was Amar. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंडिया में SaveMax की क्या एक्टिविटी हो रही है वो दिखाने जा रहा हूँ. यहाँ पे हम गुड़गांव में हैं, होटल ताज के अंदर. तो आज पूरी SaveMax की टीम यहाँ पे इकट्ठा हुई हुई थी और हम सब ने SaveMax का 2022 का विजन क्या है, कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसके अंदर कि हम काम करने जा रहे हैं. तो मैं आपको अपनी टीम के कुछ लोगों से भी मिलवाता हूँ. ये देखिए, आज सारे हम लोग यहाँ पे पूरी मस्ती का माहौल है. और शाम को हम क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको सिमरत जी से मिलवाता हूँ. सिमरत जी इधर आए. ये हमारे सिमरत जी हैं, ये जो आप ना इतनी प्यारी एडिट की वीडियोस देखते हैं ना, ये बनाते हैं इंडिया में बैठ के. तो सिमरत, ये बताओ कि आप जो वीडियो बनाते हो, जो आप इसमें मीम्स बनाते हो, नई नई चीज़ें करते हो, कैसा मज़ा आता है आपको? लॉट ऑफ फन. आई ट्राई टू यू नो लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि सर कहाँ पे थोड़ा सा ब्लूपर देंगे, कहाँ पे सर थोड़ा सा फॉरगेट करेंगे, एंड आई यू नो आई विल पिक इट अप and save it and right. maybe I'll create a meme out of it. absolutely. So ये जो है ना, काम का एक अपना मज़ा होता है जब हम सब लोग इकट्ठे मस्ती कर रहे हैं, अपना काम enjoy कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मतलब एक fun के moments हो रहे हैं. और ये जितनी भी आप मेरी गंदी videos देखते हैं, you are such an amazing person. और बड़ा मज़ा आता है आपके memes देख के. और जो उसमें creativity होती है ना, that is the most important thing. मैं आपको कुछ और टीम के लोगों से मिलवाता हूँ. ये देखिए, ये हमारे पालीवाल साहब खड़े हैं यहाँ पे. पालीवाल साहब, आपको सब लोग पूछ रहे थे कि ये हमारे इंडिया में फ्रेंचाइजी कौन बनाता है. सर, फ्रेंचाइजी बिल्कुल मैं ही बनाता हूँ, अभी तो बन रहे हैं. अब आप आए हो, फ्रेंचाइजी और आ रहे हैं. हाँ, तो ये हमारे पालीवाल साहब हैं, सुशांत जी. आप इनको पकड़ लें. अगर आपको इंडिया में फ्रेंचाइजी खोलनी है, बहुत सारी सिटीज हैं इनके पास. आप भी हैं हमारे पास. बॉम्बे चले जाएं, आप गुजरात में कहीं चले जाएं. 3 महीने बाद नहीं होंगी. अच्छा, हाँ अभी हैं. लिमिटेड टाइम ऑफर है सर. इफ यू वांट टू ऑनबोर्ड विद अस,
दिस इज योर टाइम. फैंटास्टिक. सो कम राइट अवे, वी आर वेटिंग फॉर यू गाइस. आ जाओ, मैं कुछ लोगों से और मिलवाता हूँ यहाँ पे. ये देखो, हम ना हम कनाडा से भी लाए हुए बंदे यहाँ पे. ये हमारे माइक साहब. माइक जी, आप कहाँ पहुँच गए इंडिया में यार? देखो, वेयर एवर यू आर आई एम देयर. हाँ, आप देखो, यही सेव मैक्स की टीम की ना यही ब्यूटी है. चाहे आप कनाडा में हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप इंडिया में कर रहे हैं, चाहे आप आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, हम आपको इंटरनेशनल बिजनेस करवाएंगे. डेफिनेटली, राइट? आवर प्रेजेंस इज हियर. प्रेजेंस इज देयर. यू विल सी अस, यू विल फाइंड अस एंड इन अ प्रोमिनेंट वे. अच्छा माइक, ये बताओ कि आज एक्सपीरियंस कैसा रहा कुल मिला के? बहुत अच्छा. एक्साइटेड टू सी द एनर्जी इन द टीम एंड द काइंड ऑफ एक्सपेंशन प्लान्स यू हैव. दिस इज अ लास्ट टीम फॉर अ शॉर्ट टाइम. इट्स वेरी गुड एंड आई हैव बीन इंटरेक्टिंग एवरीवन. सारे लोग बहुत ही प्रोफेशनल हैं. माइक, आपको लगता है कि हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं? सर्टेनली डिफरेंट कर रहे हैं. इंडिया मार्केट में आना, प्रेजेंस बनाना, यू नीड अ करेज. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो माइक, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो यूट्यूब के जरिए ना बहुत सारे लोग इंडिया से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो रही है कि किस तरीके से हम कैनेडियन कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेके आ रहे हैं. तो चाहे वो यहाँ की प्राइमरी मार्केट है, चाहे वो एक पोस्ट सेटलमेंट सर्विसेज है कि जब एक नया इमिग्रेंट आता है वो कैनेडा में लैंड करता है, उसको हेल्प चाहिए, उसको सिस्टम चाहिए, वो सब कुछ जो है हम एक बढ़िया पैकेज के अंदर रेडी करके अपने क्लाइंट्स के लिए लेके तैयार खड़े. तो एक बार सारी टीम का जो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, सब लोग यहाँ पे, अब हमने पूरा अपनी मीटिंग ख़त्म की है और उसके बाद सब लोग अपना खाना वाना खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. देखिए, टीम के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस तरीके से टीम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, किस तरीके से हम लोग जो आपस में काम का फन करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ आपको. सर जी, पहले अपनी इंट्रोडक्शन दो. माय नेम इज़ नवसंगीत एंड I am extended family of Save Max. Yes. Yeah. Nav Sangeet ki better half jo hai, better half. Ye jo hai worst half hai. Manpreet is part of Save Max family, or of course Nav Sangeet is part of Save Max family as well. So Nav Sangeet ka ek apna na charm hai, ek problem solver hai. Maza aata hai problem solve karne mein. Very good. Chalo. To masti puri kar rahe hain. और मैं मनप्रीत को जाके सारी फोटो दिखानी है आपकी. ठीक है, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आप ये बताएं कि क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे. मेरा नाम अर्जुन कपूर है, जस्ट रिसेंटली जॉइंड सेव मैक्स एंड मैं यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग देख रहा हूँ. आई हैव जॉइंड एज अ सीनियर मैनेजर. सो फ्रेंड्स, अर्जुन इज टेकिंग अ लीड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. और आपको पता है, जब कोई नई चीज़ करनी होती है ना, तो यू नीड राइट सेट ऑफ पीपल. एंड व्हेन आई मेट अर्जुन फर्स्ट टाइम, तो मेरे को ना इतनी अच्छी फीलिंग आई और मुझे लगा कि यार अर्जुन के पास ना एक वो अलग से एक नैग होता है ना, हर प्रोफेशनल के पास अपने अपने फील्ड का, तो सेल्स एंड मार्केटिंग का इसका अपना नैग है एंड यू कैन फील इट. सो अर्जुन, इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल जर्नी. एब्सोल्युटली. एंड वी आर गोइंग टू डू समथिंग अमेजिंग इन दिस कंट्री. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे, नीरज साहब भी हमारे, इनसे भी देखो खाना वाना खा रहे हैं. मेरे को पूछा नहीं इन्होंने, ये होस्ट हैं आज यहाँ के. ये देखो खाना खुद खा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं ऑन कैमरा. नीरज साहब इज टेकिंग अ लॉट ऑफ लीड ऑन इंडिया ऑपरेशंस. तो यहाँ पे जो एक प्राइमरी मार्केट है जिसको हम प्री कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, पूरा नीरज साहब उसका जो एक बढ़िया सेटअप बिल्टअप कर रहे हैं. और आप सब लोगों का इंटरेक्शन होता रहेगा इनके साथ आने वाले टाइम में. क्यों नीरज साहब, कैसा रहेगा जर्नी? वी विल बीट कनाडा इन दिस. ओह माय गॉड, ये तो बड़ा चैलेंज हो गया भाई. नहीं नहीं नहीं, नीरज साहब यहाँ बैठो, आप आपको हम बीट तो नहीं करने देंगे यार. दैट इज एन अनदर अमेजिंग इंडिविजुअल. आई ऑलवेज लव निशांत फॉर हिज पॉजिटिव एनर्जी, हिज थॉट प्रोसेस, द वे ही कैरीज द टेक्नोलॉजी. सो ये सब हमारी एक अच्छी टीम बिल्टअप हो रही है यहाँ पे. और आप सब लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा एक, आई वुड से कि नए तरीके से रियल स्टेट को किस तरह से किया जाना है, हम ये चीज़ इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं. मैं आपको अभी रियल स्टेट की प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है, पर सेव मैक्स इससे भी ज़्यादा, इससे भी बेहतर कुछ इंडिया में लेके आ रहे हैं. सो हमने सेव मैक्स ग्लोबल एजुकेशन के नाम से इंडिया में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया के अंदर जो एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम को लेके आना, किस तरीके से हमने इंडियन यूथ को अब्रॉड, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, किस तरीके से उनको ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट करना और इंटेलेक्ट को शेयर करना, चाहे वो कनाडा का इंटेलेक्ट है उसको इंडिया में लेके आना और इंडिया के इंटेलेक्ट को कनाडा के साथ शेयर करना. और इसमें जो है विपिन लीड ले रहे हैं, विपिन शर्मा. विपिन हैज एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज विपिन शर्मा and I have experience of 25 years. I have created universities, MIT information centers, global business schools, lot many things. And right now again I am with SaveMax. Here also we will create lot many things for the youth.
विपिन, मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में मतलब एक रिक्वायरमेंट, आप ये कह लो, एक अच्छे सिस्टम की, एक अच्छी सोच की, क्योंकि यहाँ में इतने सारे हजारों नहीं लाखों की तादाद में यहाँ पे यंगस्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत एजुकेशन भी ली है, पर उनको आगे के लिए डायरेक्शन नहीं मिलती, उनको ये पता नहीं लगता मुझे आगे क्या करना है। वी विल डिवाइस गुड साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑल्सो, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि वो किस कोर्स के लायक है वो। यस, दिस इज आवर मेन मोटो। तो वी आर कमिंग अप विद सो मेनी गुड थिंग्स। या सो फ्रेंड्स, आप ये देखें कि हमारी टीम कितनी मेहनत कर रही है यहाँ पे, कितनी चीज़ें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। उसका सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव है, वी वांट टू कनेक्ट विद यू, वी वांट टू मेक श्योर वी गिव द राइट डायरेक्शन टू पीपल, और हम उनकी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे वो आपने अपना कैरियर बिल्डअप करना है जॉब के लिए, चाहे वो हमारी पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज हैं, और चाहे उसके बाद आपका घर का सपना है। तो एक चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है, सेव मैक्स आपको हर जगह पे आपके साथ मिलेगा। कैनेडियन एट हार्ट, ग्लोबल इन विजन। आज मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपको हम अपनी सोच, अपना विजन, अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करें, और आने वाले टाइम में मैं और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगा, आपको और टीम मेंबर से मिलवाएंगे इंडिया में। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो पिछले 8 महीने में इंडिया में इतना सारा प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और आप सबने जो जिस तरीके से टेक केयर किया है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। बहुत सारे लोगों से, नए लोगों से मिलना चुना हुआ, बहुत सारे नए दोस्त बने। आई नो कि आपको से बहुत सारे लोग मिलना चाहते थे, पर इस बार जो स्केड्यूल है, इस जो इतना जैम पैक टाइप बनाया हुआ था कमल ने, सुशांत ने, कि एक्चुअल में मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं था। मेरे पास वेरी वेरी शॉर्ट टाइम थी। हमारे जो पूजा फैमिली है, उन्होंने बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से और बहुत अच्छे से वहाँ पे हमने अपना एक ऑफिस का इनोग्रेशन किया है। और उसके बाद हमारे हर्ष जी हैं, उन्होंने नोएडा में सेव मैक्स का ऑफिस खोला है। हमारे जसपाल जी हैं, जिन्होंने दिल्ली में सेव मैक्स का ऑफिस खोला है। ये काफ़ी सारे लोग अभी जो है साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमने जलंधर में भी जो है अपना एक ब्रांच खोल ऑलरेडी उसके ऊपर काम चल रहा है, और जैसे लुधियाना में और गुजरात में और मुंबई में काफ़ी जो है अच्छा रिस्पॉन्स है। इंडिया में काफ़ी कुछ करने का प्लान है। आप सब लोग इसी तरह से मेरा मैसेज स्प्रेड करते रहें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकें। अगर आप आ रहे हैं ऑफिस से मिलना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अपना मैसेज डालें। लेट मी रीड ऑल दोज मैसेजेस, लेट मी सी कि आप आ रहे हैं ऑफिस को कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं जैसे ही पहुँचता हूँ आप सबसे आ रहे हैं ऑफिस की बात जल्दी करो। थैंक यू वेरी मच, अपना फैंटास्टिक डे है। सी यू सून व्हेन आई रीच इन कैनेडा। बाय। हाँ, घर आके एक अपना अलग मज़ा होता है। एक इंडिया का बड़ा हेक्टिक ट्रिप था, बहुत सारी भाग दौड़ रही, इतने सारे ऑफिसेज का इनोग्रेशन और इतने सारे लोगों से मिलना जुलना। पर यू नो व्हाट, जब कोई चीज़ हम लाइफ में अकम्प्लिश करके आते हैं तो उसके बाद जो है एक एनर्जी लेवल डिफरेंट ही होता है। आई नो कि ये 8-9 दिन की ट्रैवल के बाद काफ़ी थकान है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पूरी एनर्जी है और अब अपनी कैनेडियन बिजनेस को एक बार दोबारा से सब कुछ चेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ सब कुछ कैसे चल रहा है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना सारा प्यार इंडिया में दिया, और आप लोग इसी तरह मेरे YouTube चैनल के ऊपर बने रहिए, राइस विद रमन। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं आगे आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आने वाला हूँ, चाहे वो कैनेडा में है, चाहे वो इंडिया में, चाहे वो वर्ल्ड के किसी और पार्ट में। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।